الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد पिछले दर्स के अंदर बातें शुरू बातें चल रही थीं उन अबवाब की जो सुलासी मुजरद के हैं। अगर फिर थोड़ा और जानना चाहें तो इससे पहले हमने अबवाब से पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पहला बाब पढ़ा था जिसमें फेल और उससे जुड़ी हुई मुश्तकात और तमाम चीज़ें पढ़ी थी। दूसरा बाब यहाँ से शुरू हो रहा है और दूसरा बाब ये सुलासी मुजरद का बाब है, यानी कि ये नहीं दूसरा बाब जो है इसमें कई सारी चीज़ें हैं, सुलासी मुजरद ही नहीं है बल्कि दूसरे बाब के अंदर फिर इन्होंने चार फसलें की हैं और जो पहली फसल थी वो पहली फसल के अंदर सुलासी मुजरद के जो अबवाब छः मशहूर अबवाब हैं उनका इन्होंने तस्करा किया था और उनकी सशर की गर्दान उन्होंने बताई थी कैसे की जाएगी। तो सब आसान है, तकरीबन सब एक ही जैसे दिखते हैं, जिनमें से पहला क्या है नसरा है, दूसरा क्या है ज़रबा यजरीबो है और तीसरा समिया है, चौथा यहाँ पर जो दिया हुआ है इन्होंने फतह कबाब है और पांचवा जो है बबे करोमा है और छठा जो है वो हसीबा यासिबो कबाब है। तो ये अबवाब छः अबवाब हैं जो कि वाज़े हैं, इनको मतलब पीछे भी आ चुके होंगे जो इब्तदाई किताबें हैं उनमें भी। अब यहाँ पर दूसरे बाब की दूसरी फसल यहाँ हम इनको पढ़ेंगे, इस फसल के अंदर काफ़ी अहम चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएँगी जिनको समझना काफ़ी ज़रूरी है, कुछ कवायद आएँगे जिनको याद करना जो काफ़ी अहम हैं। तो दूसरी फसल यहाँ पर यानी कि दूसरा जो बाब है उसकी दूसरी फसल, इसके अंदर किस चीज़ का तस्करा होगा? इसके अंदर एक सुलासी मुजरद होता है और एक सुलासी मजीद फ़ी होता है। तो सुलासी मजीद फ़ी की भी फिर दो किस्में होती हैं, एक मुलहक और एक गैर मुलहक। सुलासी मजीद फ़ी की यानी कि सुलासी वो अबवाब जो सुलासी मजीद फ़ी के अबवाब कहलाते हैं, यानी कि सुलासी के अंदर कुछ ज़ायद हरूफ का इजाफा कर दिया जाता है तो वो सुलासी मजीद फ़ी कहलाता है। जैसे कि एक बाब है करोमा, ये सुलासी मुजरद का बाब है, उसके शुरू में हम हमज़ा ले आएंगे, एक हर्फ का इजाफा कर देंगे, ज़्यादा ज़्यादती करेंगे तो वो अक्रमा हो जाएगा, तो अब ये सुलासी मजीद फ़ी हो गया। सुलासी यानी कि वो एक फ़ेल सुलासी है जिसके अंदर एक हर्फ का इजाफा या ज़्यादती कर दी गई है तो वो सुलासी मजीद फ़ी होता है। और ये जो सुलासी है जो ज़्यादती होती है तो ये ज़्यादती दो मकसद के लिए होती है, या कि एक तो मुलहक के लिए होती है, इलहाक के लिए होती है कि मतलब इस कलमे को किसी दूसरे कलमे के वज़न पर कर दिया जाए, या ये कि उस ये ज़्यादती इलहाक के लिए ना हो। तो यहाँ पर सुलासी मजीद फ़ी जो होता है इसकी दो किस्में होती हैं, एक मुलहक और एक गैर मुलहक। तो सुलासी मजीद फ़ी जो गैर मुलहक है यानी कि जो मुलहक नहीं है बल्कि जो गैर मुलहक है उसके कितने अबवाब आते हैं उनका तस्करा यहाँ पर करेंगे साहिब किताब। तो ये इस्तलाहात हैं, इनको अगर हम थोड़े कहें तो यहाँ जाना है थोड़ा सा तो इस पर हम थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। तो कहें कि दूसरी फसल अबवाब सुलासी मजीद फ़ी मुतलक के बयान में, सुलासी मजीद फ़ी मुतलक। तो अभी मैंने जो बताया कि सुलासी जो फ़ेल सुलासी है उसके अंदर किसी हर्फ की ज़्यादती की जाती है या तो सिर्फ किसी दूसरे कलमे के वज़न पर करने के लिए या उसके अंदर जो है कोई नया माना पैदा करने के लिए। तो अगर किसी दूसरे कलमे के वज़न पर करने के लिए ऐसा किया जाता है तो वो मुलहक होता है, मुलहक की और डिटेल आगे आएगी उसको जो है पढ़ेंगे, तो वो मुलहक होता है। और अगर किसी दूसरे कलमे के वज़न पर करने के लिए नहीं होता है तो वो क्या है गैर मुलहक होता है। तो सुलासी मजीद फ़ी की दो किस्में हैं, एक मुलहक और एक गैर मुलहक। जो गैर मुलहक होता है उसी का दूसरा नाम मुतलक भी है। तो यहाँ जो है सुलासी में कह रहे हैं कि दूसरी फसल अबवाब सुलासी मजीद फ़ी मुतलक के बयान में, और मुतलक से मुराद क्या है जो मुलहक नहीं है यानी कि जो गैर मुलहक है। तो चाहे इधर से करें चाहे उधर से करें, तो अगर हम कहें कि सुलासी मजीद फ़ी के जो अबवाब हैं वो दो तरह के होते हैं, एक मुलहक और एक गैर मुलहक। गैर मुलहक को मुतलक भी कहा जाता है। तो वही करें सुलासी मजीद करें कि सुलासी मजीद फ़ी की दो किस्में हैं, एक मुलहक और गैर मुलहक जिसको मुतलक कहते हैं। गैर मुलहक का दूसरा नाम भी क्या है मुतलक है। तो यहाँ पर जो मुतलक ये कह रहे हैं इससे मुराद क्या है गैर मुलहक है, यानी कि जिस सुलासी के अंदर अगर किसी हर्फ की ज़्यादती की गई है और उस ज़्यादती से मकसद ये नहीं है कि ये कलमा किसी दूसरे कलमे के वज़न पर हो जाए और जैसे उसकी गर्दानें आती हैं वैसे इसकी भी गर्दानें आएँ, तो ये मकसद नहीं होता है तो वो गैर मुलहक होता है। तो
यहाँ जो चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं इसको यहाँ पर रुकते हैं, फिर यहाँ डायरेक्ट हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ जो जो चीज़ मकसूद है यहाँ पर उसको मैं बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि सोसी दूसरी फसल, यानी कि दूसरे बाब में दूसरी फसल, अबवाब सलासी मजीद फी मुतलक के बयान में, यानी कि सलासी मजीद फी मुतलक, या हम इसको कहें सलासी मजीद फी गैर मुलहक के बयान में। फिर आगे करें, सलासी मजीद फी की दो किस्में हैं, नंबर एक मुलहक और नंबर दो गैर मुलहक यानी कि मुतलक। तो यहाँ जो बात शुरू होगी ये किसके बारे में कलाम है, यहाँ से जो अबवाब शुरू करेंगे, यहाँ पर जो बातें शुरू हो रही हैं ये सबसे पहले शुरू कर रहे हैं सलासी मजीद फी की वो किस्म जो कि मुतलक है, यानी कि जो गैर मुलहक है। तो उसमें से जो पहला बाब आता है, यहाँ पर इन्होंने पहला बाब जिक्र किया, करें कि पहला बाब उसमें से है इफ्तियाल का, पहला बाब यानी कि सलासी मजीद फी मुतलक या सलासी मजीद फी गैर मुलहक का जो पहला बाब है, यानी कि सलासी मजीद फी मुतलक के बहुत सारे अबवाब आते हैं, उनमें से जो पहला बाब है वो है बाब इफ्तियाल। इसमें कह रहे हैं कि इस बात की अलामत फ़ा कलमा के बाद ता ज़्यादा है, इस बाब की पहचान क्या है? तो कह रहे हैं कि फ़ा कलमा के बाद ता ज़्यादा की ज़्यादती है। जैसे यहाँ पर है इजतनबा, तो ये इजतनबा फ़ेले माजी है, तो अगर हम इसका वज़न का इसका वज़न अगर हम लाएँगे तो इसका वज़न हो जाएगा इफ्तअला, इजतनबा इफ्तअला, तो जीम की जगह पर फ़ा आएगा। और यही तो ये जीम क्या है, ये फ़ा कलमा है, और इस फ़ा कलमा के बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर एक ता क्या है, ज़ायद है। तो ये अगर फ़ा कलमा के बाद ता ज़ायद होती है तो ये पहचानने का एक तरीका होता है कि ये बाब बाबी इफ्तियाल से है, क्योंकि इसकी जो असल है जीम नून बा, ये तीन हरूफ क्या है इसके असली हरूफ हैं, और इसमें से दो हर्फ क्या है, ज़ायद हैं। नंबर एक क्या है, अलिफ जो हमज़ा शुरू में है, अलिफ और उसके बाद क्या है ता, ये दोनों क्या है, ज़ायद हैं। तो इसकी पहचान आसान सी चीज़ें, कह रहे हैं कि पहला बाब इफ्तियाल का बाब है, उस बाब की अलामत फ़ा कलमा के बाद ता ज़ायदा है। तो यहाँ पर हमने मिसाल में देखा कि जीम क्या है, ये फ़ा कलमा है और उसके बाद एक ता यहाँ पर ज़ायद है, तो ये बाब क्या है, बाब इफ्तियाल से ये इसकी पहचान होती है। इसकी गर्दान कह रहे हैं कि इसकी गर्दान तसरीफ़ हो, यानी कि इसकी गर्दान है कि बाब इफ्तियाल की गर्दान, कह रहे हैं इजतनबा यजतनिबो, और ये सरफ़ सगीर की गर्दान है, इजतनबा यजतनिबो इजतनाबन फ़हुआ मुजतनिबुन व उजतनिबा यजतनबो इजतनाबन फ़हुआ मुजतनबुन, अल-अम्रु मिन्हु इजतनिब व नहयु अन्हु ला तजतनिब, अज़र्फ़ु मिन्हु मुजतनबुन। तो ये इजतनबा फ़िल माज़ी है, यजतनिबो फ़िल मुज़ारे है, इजतनाबन ये मसदर है, फ़हुआ मुजतनिबुन ये इसमें फ़ाइल है इसी इजतनबा से, व उजतुनिबा ये मजहूल है, माजी मजहूल है, युजतनब मुजारे मजहूल है, इजतनाबन मस्दर है, फहुआ मुजतनबुन ये इसमें मफूल है, और अलम रोमिन हो इजतनिब ये वाज़ है, नहीं वन हो लातजतनिब यानी कि ये अम्र है ये नहीं है, ज़र्फ़ इससे आएगा मुजतनबुन, ये चीज़ वाज़ हो, ये हो गई इतनी। तो अभी तक क्या बात आई कि सलासी मजीद फी गैर मुलहक के बहुत सारे अबवाब आते हैं, ऐसे ही सलासी मजीद फी मुलहक के भी बहुत सारे अबवाब आते हैं। तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो चल रही है सलासी मजीद फी गैर मुलहक के अबवाब की, और सलासी मजीद फी गैर मुलहक या मुतलक के जो अबवाब हैं उनमें से पहला बाब बाब इफ्तियाल है, जिसकी गर्दान यहाँ पर इन्होंने जिक्र की और जिसके पहचानने का तरीका इन्होंने यहाँ पर क्या है बताया है। इसके बारे में बाब इफ्तियाल जो है ये सलासी मजीद फ़ी के जो अबवाब हैं या रुबाई के अबवाब, तो जितने भी सलासी के अलावा सलासी मुजरद के अलावा जितने भी अबवाब हैं तकरीबन ये बात है सब में मुश्तरक हैं, आगे जिनको ये जिक्र कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बाब में और तमाम अबवाब सलासी मजीद फ़ी और रुबाई मुजरद और मजीद फ़ी में, तो यहाँ से जो बात बताने जा रहे हैं कुछ बातें यहाँ पर ये जिक्र करने जा रहे हैं, जो बातें फिट होती हैं किस पर, सलासी मजीद फ़ी के जो अबवाब हैं, सलासी मजीद फ़ी की दोनों किस्मों के अबवाब, चाहे सलासी मजीद फ़ी मुलहक के अबवाब हों या सलासी मजीद फ़ी गैर मुलहक के अबवाब हों, ऐसे ही रुबाई मुजर्रद के जितने भी अबवाब हैं उन पर भी ये बातें फ़िट होंगी, ऐसे ही रुबाई मजीद फ़ी के भी जितने भी अबवाब हों उन पर भी ये बातें फ़िट होंगी। तो यहाँ पर चंद बातों का ये तذکرہ करने जा रहे हैं जो बातें क्या है इनके लिए हैं, यानी कि सलासी मजीद फ़ी के लिए हैं, उसमें उसकी दोनों किस्में शामिल हैं मुलहक और गैर मुलहक, ऐसे ही रुबाई मुजर्रद के लिए भी ये बातें हैं, और ऐसे ही रुबाई मुजर्रद फ़ी के लिए भी ये बातें हैं, मतलब इन सब चीज़ों पर क्या है ये बातें फ़िट होंगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस बाब में और इस बाब में यानी कि बाब इफ्तियाल में और तमाम अबवाब सलासी मजीद फ़ी और रुबाई मुजर्रद और मजीद फ़ी में
फेले माजी मजहूल में सिवाय आखिर के माकबल के जो मकसूर होता है, हर मुतहर्रिक हर्फ मज़मूम होता है और साकिन अपने हाल पर रहता है। यहाँ एक कायदा ये बयान कर रहे हैं फेले माजी मजहूल बनाने का, ये जो बात इन्होंने यहाँ ज़िक्र की है इसमें इन्होंने माजी मजहूल बनाने का कायदा ज़िक्र किया है। कौन सा माजी मजहूल किस से बनाना है? क्या माजी मजहूल सलासी मुजर्रद से? नहीं, सलासी मुजर्रद के अलावा जो अफ़आल हैं तो उनमें क्या है, उनके उनसे क्या, उनके माजी से अगर हमें माजी मारूफ से माजी मजहूल बनाना है तो कैसे बनाया जाएगा? सलासी मुजर्रद का वाजे है, उसमें क्या है, सलासी मुजर्रद में क्या करना है, जैसे कि ज़रबा है, ज़रबा फ़ा कलमा को जम्मा देंगे, ऐन कलमा को कसरा देंगे और आखिर वाला अपने हाल पर रहेगा। ये आसान सा होता है सलासी मुजर्रद में कि माजी मजहूल कैसे बनाया जाता है। लेकिन अगर माजी मजहूल हमें बनाना हो सलासी मुजर्रद के अलावा जो अबवाब हैं, यानी कि सलासी मजीद के अबवाब हों, चाहे वो मुलाक हों या गैर मुलाक हों, या रुबाई मुजर्रद के अबवाब हों या रुबाई मजीद फ़ी के अबवाब हों, उनसे हम माजी मजहूल कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर वही माजी मजहूल बनाने का तरीका है, कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर एक मिसाल हम लेते हैं, कह रहे हैं कि इसमें माजी मजहूल अगर हमें बनाना हो, जैसे कि ये क्या है, ये सलासी मजीद फ़ी का बाब है, यानी कि इसमें इसका शुमार होगा, सलासी मजीद फ़ी का बाब है और सलासी मजीद फ़ी की जो किस्म है, यानी कि जो मुतलक या गैर मुलहक की किस्म है उसमें ये बाब आता है। तो इजतनबा यहाँ पर ये फ़ेल माजी है, इससे अगर हमें मजहूल बनाना है, यानी कि इसको अगर हमें मजहूल करना है फ़ेल माजी को, तो क्या करेंगे? तो कह रहे हैं कि सबसे पहला काम ये करना होगा कि आखिर से पहले वाला जो हर्फ है, यानी कि जो आखिर में बा दिख रहा है, इस बा से पहले वाला जो हर्फ है नून है, तो उसको हम कसरा उसके उस पर उसके नीचे हम कसरा लगा देंगे, यानी कि आखिर से पहले वाले हर्फ को मकसूर कर देंगे। और अब इसके बाद जो और हरूफ बचते हैं तो उन वो फिर या तो मुतहर्रिक होंगे या साकिन होंगे। फिर से एक बार मतलब ध्यान से इसको सुनने की ज़रूरत है, कह रहे हैं कि अगर हमें माजी मजहूल बनाना हो सलासी मुजर्रद के अलावा जो दूसरे अबवाब हैं, तो सलासी मुजर्रद के अलावा जो दूसरे अबवाब हैं उनके फ़ेल माजी मारूफ से अगर हमें फ़ेल माजी मजहूल बनाना हो तो कैसे बनाया जाएगा? तो कह रहे हैं कि इसमें हमें यह काम करना होगा कि आखिरी हर्फ पर कुछ भी नहीं किया जाएगा, आखिरी हर्फ से पहले वाला जो हर्फ है उसको उसके नीचे हम कसरा लगा देंगे। और फिर अब दो हर्फ हो गए, अब इन दोनों आखिर से हम लेकर के चल रहे हैं, और फिर उसके बाद इन दो हर्फों के अलावा जो और हरूफ बचते हैं तो उनकी दो किस्में होंगी, या तो उनमें से कुछ हरूफ साकिन होंगे या कुछ हरूफ मुतहर्रिक होंगे। तो जो हरूफ साकिन हैं तो उस साकिन को ऐसे साकिन ही बरकरार रखा जाएगा, और जो हरूफ मुतहर्रिक होंगे तो उनको हम जम्मा से बदल देंगे। जैसे यहाँ पर क्या किया गया, बा है, बा पर कुछ नहीं करेंगे, बा से पहले क्या करेंगे, नून है, तो नून के नीचे हम कसरा लगा देंगे। तो और उसके बाद फिर अब देखते हैं, नून से पहले देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक दो तीन, तीन हर्फ बचते हैं, तीन हर्फ में देखते हैं एक साकिन है, तो इस साकिन को कुछ भी नहीं किया जाएगा, और दो हर्फ यहाँ क्या दिख रहे हैं, मुतहर्रिक दिख रहे हैं, तो इन दो मुतहर्रिक को जम्मा से बदल दिया जाएगा। तो अलिफ जो है जिसके नीचे कसरा है उसको जम्मा से बदल दिया जाए, उसके ऊपर जम्मा लगा दिया जाएगा, और जो ता है जिसके ऊपर फतह है उसको उसके ऊपर भी जम्मा लगा दिया जाएगा। तो अब इस तरह से जब हम करके पढ़ेंगे, यानी कि ये जो दोनों मुतहर्रिक दिख रहे हैं इनके ऊपर जम्मा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उज तो हो जाएगा, और नून के नीचे कसरा लगाएंगे तो ने हो जाएगा, और बा ऐसे ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, उज तो ने बा, इस तरह से ये माजी मजहूल बन जाएगा। माजी मजहूल बनाने का ये कायदा इन्होंने बताया है कि और यह कायदा किसके लिए, सलासी मुजर्रद के अलावा जो दूसरे अबवाब आते हैं उनके लिए है, यानी कि उनके माजी मारूफ से माजी मजहूल ऐसे बनाया जाएगा कि आखिर से पहले वाले हर्फ को कसरा देंगे, और फिर जो और हर्फ उससे आगे बचते हैं उनमें दो सूरतें हैं, या तो अगर जो साकिन होंगे साकिन को वैसे ही बरकरार रखेंगे, जो मुतहर्रिक हैं उन मुतहर्रिक को क्या किया जाएगा, उनकी हरकत को क्या है, जम्मा से बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पर इजतनबा से क्या हो जाएगा, उज तो निबा हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि इस बाब में और तमाम अबवाब सलासी मजीद फ़ी और रुबाई मुजर्रद और मजीद फ़ी में फ़ेल माजी मजहूल में सिवाय आखिर के माकबल के जो मकसूर होता है, यानी कि सिवाय आखिर के माकबल के, यानी कि आखिर के माकबल के अलावा कि जिसको कसरा दिया जाएगा, हर मुतहर्रिक हर्फ मज़मूम हो जाता है, हर मुतहर्रिक हर्फ यानी कि जिस
जिस पर क्या है हरकत लगी हो तो वो जम्मा, वो हरकत जम्मा से बदल जाती है। तो कह रहे हैं हर मुतहरिक हर्फ मज़मूम होता है और साकिन अपने हाल पर रहता है, बिल्कुल जैसे अभी मैंने बताया है यहाँ पर इस मिसाल में जो है समझा करके, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने बता रहे हैं। तो कह रहे हैं पस उजतुनिबा में हम, पस उजतुनिबा में हमज़ा और ता दोनों मज़मूम हैं। जैसे यहाँ पर जैसे इजतनबा से जब हम उसको मजहूल बनाएंगे तो उजतुनिबा ये बन करके निकल के आएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमज़ा और ता दोनों मज़मूम हैं, यानी कि शुरू में जो हमज़ा है और जो ता है दोनों मज़मूम हैं। इसी तरह से उस्तुनसिरा, ऐसे ही अगर हमें इस्तनसरा से बनाना हो, जैसे कि इसका ये जो मजहूल बना हुआ है ऑलरेडी, अगर हमें इसका मारूफ जो आता है वो क्या आएगा, इस्तनसरा इस्तनसरा। इस्तनसरा में बिल्कुल इसी कायदे की मुनासिबत से हम करेंगे तो आखिर में जो रा है तो रा पर कुछ भी नहीं करना है, रा से पहले जो हर्फ है स्वाद है इस्तनसरा, तो स्वाद के नीचे हम कसरा लगाएंगे और फिर जब ये स्वाद जो यहाँ तक हो गया तो उसके बाद इस तन, तो यहाँ इसमें देखते हैं चार हर्फ हैं इस तन, तो अलिफ के नीचे कसरा है असल के एतबार से, सीन साकिन है और ता पर फतह है इस तन, तो क्या किया जाएगा दोनों जो अलिफ जिसके नीचे कसरा है उसके ऊपर जम्मा लगाएंगे और ऐसे ही ता जिसके ऊपर फतह है उस पर क्या है जम्मा लगाएंगे, तो ये दोनों जम्मा हो गए और दो साकिन हैं सीन और नून, तो ये साकिन के साकिन वैसे ही रहेंगे। तो इस तरह से क्या बन के निकल के आएगा, इस तंसरा से उस्तुनसरा हो जाएगा। तो ये जो है कह रहे हैं ये माजी मजहूल बना के, माजी मजहूल बनाने की बनाने का कायदा इन्होंने लिखा और उसकी जो है दो मिसालें इन्होंने क्या है यहाँ पर दी हुई हैं, एक है इजतनबा जो कि बाब इफ्तियाल से आता है और दूसरा इस्तनसरा जो कि बाब इस्तफाल से आता है। अच्छा, और एक बात और आगे बता रहे हैं, और ये सारी चीज़ें सबको मुहित हैं उन सारे अबवाब को जो सलासी मुजरद के अलावा के अबवाब हैं। कह रहे हैं इस बाब और तमाम अबवाब, इस बाब और तमाम अबवाब बाहम अबवाब बाहमज़ वसल के माजी मनफी में, इस बाब यानी कि इस बाब यानी कि बाब इफ्तियाल, तो कह रहे हैं इस बाब यानी कि बाब इफ्तियाल और तमाम अबवाब बाहमज़ वसल के माजी मनफी में, तो कह रहे हैं कि ये बाब और वो दूसरे अबवाब जिनके शुरू में हमज़े वसल लगा होता है, हमज़ा की दो किस्में होती हैं, एक है हमज़े वसल और हमज़े वसली और एक हमज़े कती, बात पहले आ चुकी होगी। हमज़े वसली क्या होता है, जो कि उससे पहले अगर कोई और कलमा आता है तो ऐसी सूरत में क्या है वो हमज़ा गिर जाता है, और हमज़े कती जो हमेशा बाकी रहता है। तो यहाँ पर जो इफ्तियाल का जो ये है ये जो हमज़ा लगा हुआ है ये हमज़ा वसली है, और जैसे बाबी फाल में जो हमज़ा आता है वो हमज़ा कती होता है, बाबी फाल का हमज़ा कभी भी नहीं गिरता है। तो कह रहे हैं इस बाब यानी कि ये बाब जो बाब इफ्तियाल का बाब, इस बाब और तमाम अबवाब बा हमज़ा वसल और वो दूसरे अबवाब और वो तमाम अबवाब जो हमज़ा वसल के साथ आए हुए हैं, यानी कि जिनके शुरू में हमज़ा वसल लगा हुआ है, जो हमज़ा वसल अगर कोई दूसरा कलमा उससे पहले आ जाता है तो वो गिर जाता है। तो कह रहे हैं कि इस बाब और तमाम अबवाब हमज़े वसल के माजी मनफी में जब माँ और ला के आने से हमज़े वसल गिर जाता है तो माँ और ला का अलिफ भी गिर जाता है। जैसे कि कह रहे हैं कि इजतनबा है, इजतनबा जो है ये हमज़ा क्या है वसली है, यानी कि इससे पहले अगर कोई और का कलमा आएगा तो ये हमज़ा गिर जाएगा। तो मिसाल के तौर पर इससे पहले हमने माँ लगा दिया तो माँ जब लगाएंगे तो यहाँ क्या है ये हमज़े वसली गिर जाएगा, मजतनबा। तो कह रहे हैं कि ये हमज़े वसली सिर्फ नहीं गिराएंगे बल्कि क्या करेंगे, माँ के साथ में जो अलिफ लगी है वो भी गिर जाएगी, दो नहीं दो अलिफ दो गिर जाएगी, एक हमज़ा गिर जाएगा यहाँ से जो कि हमज़े वसली है और माँ के आखिर में जो अलिफ है वो अलिफ भी क्या है गिर जाएगी। तो ये दूसरी बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बाब और तमाम अबवाब बा हमज़े वसल के माजी मनफी में जब माँ और ला के आने से हमज़े वसल गिर जाता है तो माँ और ला का अलिफ भी गिर जाता है। तो जैसे इजतनबा के आगे आगे अगर हम माँ लगाएं या ला लगाएं तो ये अलिफ ऑटोमेटिक क्या है, ऑटोमेटिकली अलिफ क्या है यहाँ से गिर जाएगा, और साथ में एक काम और होगा कि वो माँ जो हमने यहाँ लगाया है उसका अलिफ भी गिर जाएगा, या ला जो हमने लगाया है उस ला का अलिफ भी यहाँ पर क्या है गिर जाएगा। तो यही बात बता रहे हैं कि इस बाब और तमाम अबवाब बा हमज़े वसल के माजी मनफी में, ये बाब और तमाम अबवाब बा हमज़े वसल के माजी मनफी में जब माँ और ला के आने से हमज़े वसल गिर जाता है, जो ये हमज़े वसल है गिर जाता है तो माँ और ला का अलिफ भी गिर जाता है, तो माँ और ला जिससे पहले आते हैं उनका अलिफ भी गिर जाता है। तो मजतनबा लजतनबा ऐसे कैसे पढ़ा जाएगा फिर, इजतनबा पर जब माँ लगाएंगे मजतनबा, मजतनबा यानी कि मीम को डायरेक्ट क्या है जीम से मिलाएंगे तो कैसे पड़ जाएगा मजतनबा, तो ये हमज़ा भी गिरा हुआ है और ये अलिफ भी गिरी हुई है, तो पढ़ेंगे मजतनबा लज तनबा,
ऐसे ही मन फतरा, मन फतरा, और मजहूल पढ़ेंगे तो मन मन फोतेरा, तो मन फतरा ये मारूफ हो गया, मन फोतेरा, लन फतरा, लन फोतेरा, मस्तंसरा, मस्तुंसिरा, लस्तंसरा, लस्तुंसिरा, यानी कि बगैर अलिफ और हमजा के पढ़ते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या है, ये जिनके जिन अफाल के बीच शुरू में हमजा वसल लगा हुआ है तो माँ और ला लाएंगे तो ये हमजा वसल भी गिरेगा और माँ और ला का अलिफ भी गिरेगा। इसी पर इतफाक करते हैं, इंशाल्लाह फिर और बातें अगले दरस में पढ़ेंगे।